फोक कथा की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया और मैं आपको इस पूरी दुनिया का सफर करवाऊंगी। इस दुनिया में आपको कई अलग अलग किरदारों से मिलने का मौका मिलेगा, जैसे जादुई मयूर, दयालु राजा, हंसती हुई मछली। तो आइए कहानियों का सिलसिला आरंभ करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे बहुत से पल आते हैं जब हमें लगने लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल ही हमें नहीं मिला और हम अक्सर हार मानकर निराश हो जाते हैं, मेहनत करना ही छोड़ देते हैं। परंतु असली जीत का स्वाद उन्हें ही मिल पाता है जो हार नहीं मानते और उम्मीद नहीं खोते। ऐसा ही कुछ हुआ गौरांग के साथ। आइए जानते हैं एक सच्चे गायक की ये छोटी सी कहानी। कुछ समय पहले की बात है, एक गांव में गौरांग नामक एक गरीब लड़का रहता था। गौरांग बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था और सादगी से रहना ही पसंद करता था। वे अपने छोटे से घर में अपने मम्मी, पापा और छोटी बहन के साथ रहता था। वह सुबह स्कूल जाता और वहां से लौटकर घर के छोटे मोटे काम भी करता, जैसे कपड़े धोकर सुखाना, रोटियां बनाना आदि। वह बहुत अच्छा गाता और डफली बजाता था। अपनी डफली लेकर वह रोज नदी किनारे चौराहे पर गीत गाता एवं डफली बजाता। लोग आते जाते पर ठहर कर न कोई उसका गाना सुनता न प्रशंसा करता। वह बहुत दुखी हो जाता। जब वह लौटता बहुत उदास रहता। उसकी माँ उसे उदास देखती तो उसे उस पर बहुत दया आती। तुम बताओ माँ, क्या मैं अच्छा नहीं गाता या फिर मेरी डफली में कोई गड़बड़ है? आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब लोगों ने मेरी प्रशंसा की हो। शायद मुझमें वो बात ही नहीं, गौरांग ने रोते हुए माँ से कहा। उसकी माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा कर कहती, बेटा निराश मत होना, अपना काम करते रहो, ईश्वर एक दिन जरूर तुम्हें सफलता देगा। यदि तुम सब्र से काम लोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे इस हुनर को पहचानेगी, गौरांग झुंझलाकर कहता। माँ, मैं इतना अच्छा गाता हूं, इतना अच्छा बजाता हूं, फिर भी लोग मेरे गीत की कद्र नहीं करते, आखिर कमी कहाँ रह गई माँ? माँ कहती, बेटा ये सब भाग्य का खेल है। किसी मनुष्य का भाग्य पत्ते के पीछे होता है तो किसी का पत्थर के नीचे। पत्ता हो तो हवा के झोंके से ही उड़ जाता है, पर पत्थर हो तो उसे उड़ाने के लिए तूफान की जरूरत होती है। तुम विश्वासपूर्वक अपना काम करते रहो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। शायद तुम ठीक कह रही हो माँ, मैंने भी यही सुना है कि सब्र का फल देर से मिलता है परंतु मीठा होता है, गौरांग कहता। माँ का वचन गौरांग में उत्साह सा ला देता और वह दुगनी जोश के साथ गीत गाता एवं डफली बजाता। गौरांग की माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसके प्रति उसके हृदय में ममता का अथाह सागर हिलोरे मारता रहता था। और जाहिर है, कोई भी माँ अपने बच्चे को कभी दुख या पीड़ा में नहीं देख सकती। गौरांग को ऐसे देखकर उनका भी दिल टूट जाता था, परंतु उन्होंने आज तक अपने चेहरे पर एक आंसू तक आने नहीं दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उन्हें रोते देखे और दुखी हो जाए, फिर उम्मीद ही खो दे। वे चाहती थी कि वो अपने बेटे के लिए एक प्रेरणा बने और उसे हिम्मत दे। गौरांग का घर एक छोटे से गांव में स्थित था, जो खेतों और खुले मैदानों से घिरा हुआ था।
इस छोटे से घर में प्रेम, समर्थन और आपसी विश्वास की रौनक हमेशा बनी रहती थी। गौरांग की माँ एक जमींदार के बागीचे की देखभाल करती थी। वह शाम तक वहां काम करती रहती और फिर घर आकर खाना भी बनाती थी। गौरांग के पिता भी किसी और की जमीन पर ही काम करते थे और सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते रहते थे। शाम को घर लौटकर वह घर के काम करते और बच्चों का ध्यान रखते थे। इतना काम करने के बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो त्योहार अच्छे से मना पाए, परंतु वे सदैव खुश रहते थे। काम के बदले में उन्हें अनाज, सब्जी, आम आदि मिल जाते थे। उन्हीं चीजों से उनका संसार चलता था। एक दिन गौरांग जंगल में घूम रहा था। उसे जंगल जाना बहुत अच्छा लगता था। घर में बैठे अच्छा नहीं लगता था तो वो अक्सर जंगल में ही चला जाता था। वहां जाकर घंटों तक यूं ही बैठा रहता, कभी अपनी डफली बजाता, कभी गाना गाता और कभी कभी पेड़ पौधों को यूं ही देखता रहता। शांति में बैठकर प्रकृति का आनंद लेने में जो मजा आता है उसकी तो बात ही कुछ और है। उस दिन गौरांग जंगल में गया तब वहां बारिश हो रही थी, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे ही खड़ा हो गया। बारिश के कारण सभी पेड़ पौधे और भी सुंदर लग रहे थे। गीली मिट्टी की खुशबू की तो बात ही क्या है। तभी उसकी नजर एक घायल शिशु हिरनी पर पड़ी। वह दौड़कर हिरनी के निकट गया। देखा, उसकी एक टांग टूटी हुई है और उसके शरीर पर कुछ जख्म है। अरे, इस बिचारी की तो हालत बहुत खराब है, अब मैं क्या करूं? यहां कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि मैं इसकी गांव ढक पाऊं। बारिश भी बहुत हो रही है। अगर इस बिचारी को ऐसे ही यहां छोड़ दिया तो इसकी हालत तो और बिगड़ जाएगी। इतनी बारिश में बिचारी कहीं जा भी नहीं सकती, उसने मन में सोचा। उस हिरनी को देखकर उसे दया आ गई। उसे उठाकर वह घर ले आया और अपनी मां से कहा, लगता है किसी जंगली जानवर ने इसे घायल कर दिया। इस हालत में ये जंगल में रहती तो मर जाती, इसीलिए मैं इसे यहां ले आया। मां ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा। गौरांग, उस शिशु हिरनी का अच्छे से ख्याल रखना, उसकी देखभाल दिन रात करना। सुबह उठकर वह उसके घावों को फटकरी के जल से धोने लगा, फिर वैद्य जी की जड़ी बूटी लगाता, पाँव पे पट्टी बांधता, उसका खूब ख्याल रखता। वह उस हिरनी से काफी घुल मिल गया था, पर पाँव ठीक नहीं हुए। वह लंगड़ाकर चलती थी। हिरनी से गौरांग को इतना अधिक लगाव हो गया था कि वह दीन दुनिया से बेखबर हो गया, अपनी माँ को भी गौण समझने लगा। इससे उसकी मां को बहुत चिंता हुई। एक दिन जब गौरांग घर में नहीं था तो उसकी मां ने हिरनी को जंगल में एक सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया। घर आने पर गौरांग ने अपनी मां से जब हिरनी के बारे में उनसे पूछा तो वह बोली, मैं तो नहीं जानती कुछ भी। गौरांग के बार बार पूछने पर भी उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। गौरांग यहां अत्यंत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने डबडबाई आंखों से अपनी मां से कहा, पता नहीं उस बिचारी के साथ क्या हुआ होगा। अभी तो उसकी टांग भी ठीक नहीं हुई थी, वह तो ठीक से भाग भी नहीं सकती। जंगली जानवरों से वह कैसे अपनी रक्षा कर पाएगी। उसकी मां अपने बेटे के दुख को देखकर दुखी हो गई, पर उसे सच्चाई बता नहीं पाई। उधर गौरांग खाट पर बैठा केवल आंसू ही बहाता रहा। उसने खाना भी नहीं खाया। रोते रोते रात बीत गई। सुबह पीड़ा से व्यथित हो उसने अपनी डफली उठाई, चौराहे पर गया और अत्यंत तल्लीन होकर गाना गाते हुए डफली बजाने लगा। डफली बजाने में वह इतना तन्मय हो गया था
कि उसे समय का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने गाना समाप्त किया तो देखा कि आसपास भारी भीड़ इकट्ठी है और उसके सामने सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। वाह वाह करते हुए लोग तालियां बजा रहे थे। वहां खड़े एक आदमी ने कहा, बेटा तुम में बहुत हुनर है, तुम्हारी आवाज सुनकर मन को बहुत खुशी हुई। देखना तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत तरक्की करोगे और अपने माता पिता का नाम खूब रोशन करोगे। बस मेहनत करना कभी मत छोड़ना। गौरांग को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। वह अवाक चारों ओर देखता रहा। धीरे धीरे भीड़ छट गई, तब उसकी मदहोशी टूटी। सामने पड़े सिक्कों को समेट कर वह अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक घर पहुंचा। खुशी से झूमते हुए उसने अपनी माँ से कहा, माँ माँ देखो मुझे कितने पैसे मिले हैं, आज तो सब लोग मेरे गाने पर तालियां बजा रहे थे, कुछ तो रो भी रहे थे। माँ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, फिर बोली, बेटा जब भी मैं तुम्हारा गाना सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जिस दिन तुम गाने में डूब कर लोगों की परवाह किए बिना गाओगे, तब तुम्हें अपनी कला का सही सम्मान मिल पाएगा। आज तुमने अपनी हिरणी की याद में सब कुछ भूलकर डफली बजाई और गाना गाया, और वह गाना लोगों के मन को छू गया। आज से तुम एक सच्चे गायक हो। गौरांग अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारा मन सच्चा है और मेहनत की है तो आज या तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा आवश्यक है सब्र से काम लेना। गौरांग की ही तरह हम सब में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, जैसे नाचना, खाना पकाना आदि। अपनी उस खूबी को खोजिए और हमें उसके बारे में जरूर बताइए। हमारे साथ इबीलॉग किड्स इस इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कीजिए और नए एपिसोड्स को सुनने के लिए फोक कथा को इबीलॉग मीडिया ऐप पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अगली फोक कथा में।